शिमला कुल्लू में बादल फटा, 3 लापता। चंबा में स्कूल आंगनबाड़ी बंद, बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उधर शिमला के रोडू में छोहारा विकास खंड की कलौटी खंड में बादल फट गया। चिड़गांव तहसील के लला में 3 लोगों के मलबे में दबने की खबर है। जकोटी गांव के रोशनलाल और उनकी धर्मपत्नी भागा देवी लला में ढाबा चला रहे थे। बीती रात उनका पोता कार्तिक भी उनके साथ लला में ही था। लला खंड में आए भारी फ्लड में ढाबा बह गया, जिसके बाद तीनों लापता है। पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ जेसीबी की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कुल्लू जिले के गड़सा घाटी में बादल फटने का समाचार है। भलाण एक पंचायत के खोड़ा आगे में शुक्रवार शाम को बादल फटा है। बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। भूस्खलन के चलते खोड़ा आगे गाँव के 30 मकानों को खाली करा दिया गया है। गड़सा खोड़ा आगे सड़क बाढ़ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बादल फटने के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। भलाण एक पंचायत प्रधान कोयला देवी ने कहा कि पालकी से नीचे और खोड़ा आगे में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। सिरमौर जिले के नहन में सीजीएम आवास के पास शिमला रोड पर सड़क के किनारे भूस्खलन हुआ है। यहां पार्क की गई 2 गाड़ियां डंगे से नीचे गिर गई। मुख्य सड़क यातायात के लिए सुचारू है। वहीं चंबा जिले के भरमौर और भटियात उपमंडल के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिले में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में चल रही वर्षा गतिविधि में आज से अगले 48 घंटों के लिए वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं ऊना, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल में भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय जिलों में 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। प्रदेश के कई भागों में 27 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।